इसमें आज माध्यम विकी साहब को इन्होंने जिस्मानी रिमांड के लिए एरी मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश करना था, जिसमें पुलिस ने उनको बिल्कुल पेश नहीं किया और उनको इन्होंने जुडिशल कर दिया मुकदमा आजा में। ऐसे मुकदमे में उन्होंने जुडिशल किया जिसमें वो खुद मुदई हैं, जिसमें खुद वो पैरालाइज हो चुके हैं, जिसके ऊपर इतना पुलिस ने तशद्दुद किया कि वो खुद बेचारा चल नहीं सकता है, और उसको इतना भी राइट नहीं दिया गया कि वो अपने काउंसल की, अपने वकील साहिबान की मौजूदगी में अपने आप को डिफेंड कर सके। इन्होंने बाहर से ही कोर्ट का रास्ता इख्तियार किए बगैर उसको इन्होंने जुडिशल करवा दिया, जिसके लिए हम लोगों ने आज इनकी जमानत बाद गिरफ्तारी कायम कर दी है, जिसमें एरिया मजिस्ट्रेट साहब ने उसमें परसों के लिए उन्होंने 30/9 के लिए उन्होंने उसमें जमानत में उन्होंने नोटिस किया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं होपफुल हूँ कि 30/9 को हम पादरी विकी साहब की जो बेल है वो हम इंशाल्लाह ताला उसे लेंगे। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आज फिर पास्टर विकी के साथ वही जुल्म हुआ जो पहले दिन से, जैसे उसे फायर लगा उसके फौरन बाद बजाए कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद मुल्जमान को ट्रेस करती, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इस केस को हम झूठा साबित करने के लिए इस कमज़ोर और लाचार और मसरूफ जो है शख्स इस पर दबाव डालेंगे, फिर उसकी जो है इस तरह से उसे वहाँ पर हसबे बेजा में रख कर तशद्दुद किया गया कि वो मसरूफ हो गया, इस तरह से वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बात अब इस हद तक बन चुकी है कि हम सब अदालत के बाहर खड़े हैं, वकील साहब खड़े हैं, सारे मसीह यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उन्होंने अदालत में पेश किए बगैर चोरी चोरी अंदर से उसका उसे जुडिशल करवा के जेल भेज दिया है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं इंसानी हुकूक के तमाम अदारों से, तमाम मुस्लिम उलमा से, मसीही खादमीन से ये अपील करता हूँ कि वो इस वाकया का नोटिस लें, आवाज़ बुलंद करें। विकी पर बहुत जुल्म हुआ है, ये विकी पर नहीं, यहाँ पर जो सबसे कमज़ोर और गरीब तबका मसीह है उन सब पर जुल्म हुआ है। खुदा आप सबका हमें ये फरमा दे।